वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान फॉर यू। रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी खूबियाँ भी थी। शायद इसीलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना जाता है। रावण से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो आम कहानियों में सुनने को नहीं मिलती। विभिन्न ग्रंथों में रावण को लेकर कई बातें लिखी गई हैं। फिर भी रावण से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं जो कई लोगों को अभी तक नहीं पता। आइए जानते हैं रावण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें। वीर योद्धा रावण। रावण जब भी युद्ध करने निकलता था तो खुद बहुत आगे चलता था और बाकी सेना पीछे होती थी। उसने कई युद्धों के लिए ही जीते थे। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था और नरक की सज्जा भुगत रही जीवता आत्माओं को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल किया था। जितना वीर होने के बाद भी रावण कई जनों से हार गया था। कैसे कैसे हारा रावण? बाली ने रावण को अपने बाजों में दबाकर चारों समुद्र की परिक्रमा की थी। बाली इतना ताकतवर था कि वह रोज सवेरे चारों समुद्रों की परिक्रमा कर सूर्य को अर्घ देता था। रावण जब पाताल के राजा बली से युद्ध करने पहुंचा तो बली ने महल में खेल रहे बच्चों ने ही उसे पकड़कर अस्पताल में घोड़ों में बांध दिया था। शस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने हजार हाथों से नर्मदा के बहाव को रोककर पानी इकट्ठा किया और उस पानी में रावण को सेना सहित बहा दिया। बाद में जब रावण युद्ध करने पहुंचा तो शस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। रावण ने शिव से युद्ध में हार कर उन्हें अपना गुरु बनाया था। महिलाओं के प्रति दुर्भावना। रावण के मन में महिलाओं के प्रति हमेशा दुर्भावना रही। वो उन्हें सिर्फ उपभोग की वस्तु मानता था, जिसके कारण उसे रंभा और सीता सहित कई महिलाओं से शराब भी मिला जो उसके लिए विनाशकार बने। भगवान महिलाओं को अपमान करने वालों को कभी माफ़ नहीं करता, क्योंकि दुनिया में जो पहली 5 संतानें पैदा हुई थी उनमें से 3 संतानें लड़कियां ही थी। भगवान ने महिलाओं को पुरुषों से आगे रखा है। रावण अपनी शक्ति के अहंकार में ये बात समझ नहीं पाया। सिर्फ तारीफ सुनना। रावण की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अपनी बुराई पसंद नहीं थी। गलती करने पर भी वह दूसरों के मुंह से अपनी सिर्फ तारीफ ही सुनना चाहता था। जिसने भी उसकी गलतियां दिखाई उन्हें अपने से दूर कर दिया। जैसे भाई विभीषण, नाना माल्यवंत, मंत्री शुक आदि, वह हमेशा चापलूसों से घिरा रहता था। शराब से दुर्गंध मिटाना चाहता था। रावण शराब से बदबू भी मिटाना चाहता था ताकि संसार में शराब का सेवन करके लोग अधर्म को बढ़ा सकें। स्वर्ग की सीढ़ी बनाना। भगवान की सत्ता को चुनौती देने के लिए रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था ताकि जो लोग मोक्ष और स्वर्ग पाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, पूजा बंद कर रावण को ही भगवान माने। अपने बल पर अति विश्वास। रावण को अपनी शक्ति पर इतना भरोसा था कि वो बिना सोचे समझे किसी को भी युद्ध के लिए ललकार देता था, जिससे कई बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा। रावण युद्ध में भगवान शिव, शस्त्रबाहु अर्जुन, बाली और राजा बलि से हारा, जिनसे रावण बिना सोचे समझे युद्ध करने पहुंच गया। रथ में गधे होते थे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सभी योद्धाओं में रथ में अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे, लेकिन रावण के रथ में गधे हुआ करते थे। वे बहुत तेज से चलते थे। खून का रंग सफेद हो जाए। रावण चाहता था कि मानव रक्त का रंग
लाल से सफेद हो जाए। जब रावण विश्व विजय यात्रा पर निकला तो उसने सैकड़ों युद्ध किए, करोड़ों लोगों का खून बहाया, सारी नदियों और सरोवर का खून लाल हो गए थे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा था और सारे देवता उससे इसके लिए रावण को दोषी मानते थे। तो उसने विचार किया कि रक्त का रंग लाल से सफ़ेद हो जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने कितना रक्त बहाया है, वो पानी में मिलकर पानी जैसा हो जाएगा। काले रंग गोरा करना, रावण खुद काला था इसलिए वो चाहता था कि मानव प्रजाति में जितने भी लोग वो का रंग काला है वो गोरे हो जाएं, जिससे कोई भी महिला उनका अपमान ना कर सके। संगीत और विद्वान। रावण संगीत का बहुत बड़ा जानकार था। सरस्वती के हाथ में जो वीणा है उसका आविष्कार भी रावण ने ही किया था। रावण ज्योतिषी तो था ही, तंत्र मंत्र और आयुर्वेद का भी विशेषज्ञ था। सोने में सुगंध डालना, रावण चाहता था कि सोने में खुशबू होनी चाहिए। रावण दुनिया भर के स्वर्ण को खुद कब्जा जमाना चाहता था। सोना खोजने में कोई परेशानी नहीं हो इसलिए वह सुगंध डालना चाहता था। समुद्र के पानी को मीठा बनाना, रावण सातों समुद्रों के पानी को मीठा बनाना चाहता था। संसार में हरि पूजा का निर्मूल करना, रावण का इरादा था कि संसार में भगवान की पूजा की परंपरा को समाप्त कर दिया जाए ताकि फिर दुनिया में सिर्फ उसी की पूजा हो, ऐसा था रावण का वैभव। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि रावण के दरबार में सारे देवता और दिग्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। रावण के महल में जो अशोक वाटिका थी उसमें अशोक के 100,000 से ज़्यादा वृक्ष थे। इस वाटिका में सिवाय रावण के किसी अन्य पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी। लेटेस्ट अपडेट और लगातार नई जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक लाइक व शेयर हमारे लिए बहुमूल्य है। अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो हमें कमेंट के द्वारा बताइए।